ओके सो रिकॉर्डिंग हैज में स्टार्टेड आह प्लीज मार्केट अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स सो पिछले क्लासेस में हमने यस uh, yes, पिछले क्लासेस में हमने कौन से टॉपिक स्टार्ट किया था डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इन डायरेक्ट प्रपोर्शन इससे पहले हमने बुक वन वाइसेस ब्रेकिंग ओके आह सभी को वॉइस ब्रेक हो रही है क्� मेरी आवाज़ आपको अच्छे से सुनाई दे रही है क्या? ओके, ओके। तो तो एक एक हाँ, तो uh, okay. हाँ. so क्लासेस में हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन स्टार्ट किया था डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने uh, कुछ एग्जांपल्स लिए थे कि uh, जैसे फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस सेट 37 ये मैंने आपको बनाने के लिए भी बोला था होमवर्क के तौर पे 7 केजी अनियन का प्राइस 140 है तो 12 केजी अनियन का प्राइस क्या होगा तो होप आप लोग प्रैक्टिस सेट uh, 37 आप बना के आए होंगे अभी हम आ, इसके बाद हमने क्या देखा इसके बाद हम लोगों ने अ uh, इनडायरेक्ट प्रपोर्सन देखा था जिसे हम इनवर्स प्रपोर्सन और इनडायरेक्ट प्रपोर्सन दोनों नाम से जानते हैं ठीक तो इसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल क्या देखा था एग्जाम्पल यह देखा था कि जैसे एक स्कूल में प्लांटेशन ड्राइव हो रही है और टोटल 90 पिट्स बनाने हैं 90 पिट्स मींस 90 पिट्स 90 पौधे के लिए 19 पिट्स बनाने होंगे ओके तो अगर एक इंसान काम करता है ओके अगर एक इंसान काम करता है तो तो means एक एक volunteer एक दिन में one ही, आ, कर सकते हैं तो उसे टोटल नाइन्टी डेज लग जाएंगे ओके okay. तो यहाँ पे अगर फिफ्टीन वॉलंटियर आ जाएंगे तो नाइन्टी डिवाइडेड बाय फिफ्टीन इज सिक्स डेज कुछ ऐसा छह दिनों में यह काम हो जाएगा तो मैंने आपको बताया था कि कैसे यहाँ पे वॉलंटियर बढ़ रहे हैं तो आउटपुट uh, हमारा क्या हो रहा है कम हो रहा है वॉलंटियर वॉलंटियर इज इन इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे डेज क्या हुई हुई डिक्रीज बट पिछले केसेस में हमने क्या देखा था डायरेक्ट डायरेक्टोर्सन में कि जैसे 7 का प्राइस कितना वन फोर्टी तो टेन के का क्या हो जाएगा और ज्यादा हो जाएगा ओके okay. बट यहाँ पे क्या हो रहा है क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है ठीक एक तरफ डिक्रीज कर रही है दूसरी एक तरफ इंक्रीज कर रही है तो जैसे यहाँ पे टेन uh, 16 डेज में टेन वॉलंटियर कितने में नाइन डेज में ठीक तो मैं यहां पे आपको व्हाइट बोर्ड पे बताता हूं फिफ्टीन वॉलंटियर वो पिट्स बनाने में कितने समय लेंगे नाइनटी डिवाइडेड बाय फिफ्टीन नाइनटीन डिवाइडेड बाय फिफ्टीन दैट इज सिक्स डेज डेट इज सिक्स डेज ओके okay. अगर वॉलंटियर में कम कर ओके okay. कुछ लोग अगर नहीं आए वॉइस इज ब्रेकिंग इन मिडल ओके हाँ ठीक है तो मैं uh, एक मिनट में चेंज करता हूं अपना डिवाइस जस्ट वेट अ फ्यू मिनट ओके सो एम आई ऑडिबल टू यू क्लियरली नाउ एम आई ऑडिबल एम आई ऑडिबल ओके ओके या आई थिंक नाउ माई वॉइस इज टोटली क्लियर टू यू ओके या तो टेन वॉलंटियर ये काम कितने दिनों में करेंगे सो so, टोटल okay. 10. So, 10, so, कितने दिनों में काम करेंगे नाइन डेज में ओके तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये वॉलंटियर यहाँ पे इंक्रीज कर रही है तो so, डेज क्या हो रही है डिक्रीज कर रही है अगर हम इससे कंपेयर करें ओके यहाँ पे कितने वॉलंटियर थे देरा टेन वॉलंटियर और यहाँ पे 10 से इंक्रीज कर रही है अगर ज्यादा लोग रहेंगे तो काम क्या होगा काम कम दिनों में हो जाएगा जल्दी से हो जाएगा सो so, फिफ्टीन वॉलंटियर में सिक्स डेज तो टेन वॉलंटियर में नाइन डेज को तो इसे हम क्या बोलते हैं इसे हम इनवर्स रिलेशन बोलते हैं इनवर्स रिलेशन या इनडायरेक्ट ओके okay. आज हम पिछले क्लासेस में ये सारा चीज हम लोगों ने देख लिया था तो होप आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए होंगे और आज हम यहाँ पे प्रोसीड कर रहे हैं पे पिछले क्लासेस में हमने सॉरी पिछले क्लासेस में हमने क्या किया था पिछले क्लासेस में पिछले क्लासेस में हमने पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे वहां पे हमारा क्लास एंड हुआ था ठीक तो मैंने आपसे क्या पूछा था मैंने आपसे कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछा था कि आप ये आप हैं दिस इज एंड दिस इज बी और आपको क्या करनी है एक बिजनेस स्टार्ट करनी है ओके आपको एक बिजनेस स्टार्ट करनी है ठीक तो आपके पास कितने रुपए हैं आपके पास अ 80000 रुपय है ठीक 80000 आपको कितने पैसे और चाहिए आपको टोटल एक लाख रुपए चाहिए तो आपने अपने फ्रेंड बी से क्या किया 20000 रुपया लिया टोटल कितना हो गया 1 लाख टोटल कितना हो गया 1 लाख और इतने आ, प्रैक्टिस से 38 में आपका क्या है डॉट है ठीक है हम वहां पे आते हैं पहले ये है हम Uh, ये मैं जो बता रहा हूँ ये आप देख लें फिर मैं प्रैक्टिस से थर्टी मैं मैंने आपसे बोला था कि uh, ये uh, I think 37 और 38 दोनों टॉपिक आपका क्या था होमवर्क था इसके अलावा बुक वन की जो आखिरी चैप्टर थी अलजेबरिक एक्सप्रेशन एंड ऑपरेशन ऑन दैम तो उसमें भी क्या था उसमें भी आपको uh, मैंने बोला था कि वो एक्सरसाइज आप करके आओगे हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे हाँ तो यहां पे हमने हम क्या बता रहे थे आपको एक हाँ पहले ये मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ फिर आपके प्रैक्टिस से थर्टी एट पे आऊंगा हाँ तो मैं कहां पे था कि आपको एक बिजनेस स्टार्ट करनी है कितने में वन लाख रुपीज में एंड यू हैव ओनली तो आपने क्या किया फ्रेंड ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज लिया तो वन ईयर के बाद आफ्टर वन ईयर आपको प्रॉफिट कितनी हुई टेन थाउजेंड की ठीक एक लाख रुपए का आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आपको प्रॉफिट हुई कितनी टेन थाउजेंड की ठीक तो टेन थाउजेंड की प्रॉफिट हुई तो ये प्रॉफिट क्या कर क्या करोगे आप कुछ प्रॉफिट का पार्ट अपने पास रखोगे और कुछ अपने आप फ्रेंड को दोगे ठीक तो ये कैसे ये प्रॉफिट डिवाइड होगा क्योंकि आपने एट्टी थाउजेंड रुपये लगाए और आपके फ्रेंड ने ट्वेंटी थाउजेंड ही लगाए तो ऑब्वियस है कि आपने ज्यादा पैसे लगाए तो प्रॉफिट में से आपको ज्यादा पैसे आने होंगे और आपके फ्रेंड ने कम पैसे लगाए तो आपके फ्रेंड को कम पैसे आएंगे ठीक तो ये हम कैसे करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे ए और बी का कितने पैसे दिए ठीक तो दोनों का रेशियो निकाल लिए ले, लेंगे तो ए ने कितना पैसा दिया 80,000 बी कितना पैसा दिया 20,000 ठीक तो ये 21 जा 20 24 जा 80 तो ये क्या होगी 4 is to 1 4 is to 1 रेशियो में क्या हुई 4 is to 1 रेशियो में इनका इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट का मतलब किसी भी काम करने में जो लागत होती है उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं ठीक अभी हम टॉपिक पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो फोर पार्ट किसका है ए का और वन पार्ट किसका है बी का तो ऑब्बियस है कि प्रॉफिट भी जो होगी प्रॉफिट में भी फोर पार्ट एक ए के पास कितना जाएगा प्रॉफिट का फोर पार्ट जाएगा ए के पास और बी के पास कितना जाएगा ठीक जैसे इन्होंने इन्वेस्ट किया फोर इंस टू वन के रेशियो में उसी तरीके से प्रॉफिट भी जाएगी फोर इंस टू वन के रेशियो में तो ये कैसे करेंगे तो इसके लिए क्या करोगे आप कि हाँ, ये रेशियो था तो इसे आप लिखोगे फोर एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट क्या हुई कोई टेन थाउजेंड ठीक

यहाँ पे ए का क्या था ए का था फोर एक्स और बी का क्या था शेयर एक्स ठीक एक्स की वैल्यू क्या आई हमारे पास टू थाउजेंड हा तो ए की शेयर की क्या थी द शेयर ऑफ ए इज फोर एक्स द शेयर ऑफ ए इज फोर एक्स एंड द शेयर ऑफ बी इज सिंपली एक्स तो फोर इंटू टू थाउजेंड क्वल टू रुपीज एट थाउजेंड ओके एक्स की वैल्यू क्या थी एक्स मीन्स ये क्या वन इंटू एक्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं yes, यस है. तो ए के पास कितना पैसा गया ए के पास एट थाउजेंड रुपीज गया और बी के पास ओनली टू थाउजेंड रुपीज तो ये जो टॉपिक ये जो अभी हमने देखा ये क्या है ये हमारा क्या है पार्टनरशिप है ठीक ये क्या है हमारा पार्टनरशिप है Means दो लोगों ने बिजनेस करना स्टार्ट किया और दोनों या दो से अधिक भी लोग हो सकते हैं तीन लोग हो सकते हैं चार लोग हो सकते हैं तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है पहला स्टेप है फर्स्ट स्टेप इसे मैं इरेज करता हूं हाँ फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि फर्स्ट स्टेप आपको निकालने हैं रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ठीक कि, कि, कि आ, किसने कितने रेशियो में पैसा लगाया रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ठीक और उसके बाद लेट द टोटल प्रॉफिट वी एक्स फॉर एग्जांपल रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या आई फॉर एग्जांपल थ्री इज टू फोर फाइव मान लेते हैं तीन लोग का बिजनेस है थ्री फोर इंस टू फाइव में किया तो सेकेंड स्टेप में क्या करोगे लेट द टोटल प्रॉफिट भी एक्स एक्स वाई जेड कुछ भी भी मान लो टोटल प्रॉफिट बी एक्स तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो जाएगा मीन्स ए का प्रॉफिट थ्री एक्स हो जाएगा बी का प्रॉफिट फोर एक्स हो जाएगा और सी का प्रॉफिट फाइव एक्स हो जाएगा ठीक तो कुछ इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यहाँ पे चैट बॉक्स में तीन आंसर्स आए हैं तो मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ रहे होंगे बाकी लोग जिन्हें अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया तो वो क्या करेंगे यहाँ पे पार्टनरशिप के एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन दी हुई होगी प्रैक्टिस थर्टी नाइन में क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव तो क्वेश्चन नंबर फाइव मैं आपको आ, आप पहले ट्राई करो क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव और क्वेश्चन नंबर फाइव में शायद आपको दिक्कत आ सकती है तो प्रैक्टिस से थर्टी नाइन की क्वेश्चन नंबर फाइव पहले हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे ठीक अभी मैं आ, प्रैक्टिस सेट थर्टी एट का क्वेश्चन नंबर थ्री देखता हूँ कि क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है इसके लिए मैं आपके बुक पे चल रहा हूँ इनवर्स प्रोपोर्शन टॉपिक है हमारा एंड द क्वेश्चन इज जस्ट अ मिनट या मेरी अटी एट सिक्स किलोमीटर पर आवर हाउ लॉन्ग विल सी टेक टू रीच हर एंड हाउस इज़ ट्वेल्व किलोमीटर अबे इफ सी साइकिल्स एट ए स्पीड ऑफ फोर किलोमीटर पर आवर हाउ लॉन्ग वुड सी टेक तो ये क्वेश्चन यहाँ पे मैथमेटिक्स में आपको दी गई है क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि मैरी अपने अं, अंटी के घर पे जाती है तो वो साइकिल चलाती है ठीक तो स्टार्टिंग में पहले केस में क्या है सिक्स किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो साइकिल चलाती है मैरी के घर से अंटी के घर कितनी की दूरी पे है ट्वेल्व किलोमीटर ठीक ट्वेल्व किलोमीटर के डिस्टेंस पे घर है और दूसरे केस में मीन्स दूसरे दिन जब ये जाती है तो फोर किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है ठीक सिक्स किलोमीटर पर आवर यस yes. हाँ टू okay. आवर एंड थ्री आवर ओके टू आवर एंड थ्री आवर हाँ ये तो आपने बता दिया कि केस uh, वन में टू आवर लगेंगे और केस टू में थ्री आवर लगेंगे ठीक तो आपने फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम स्पीड इज इक्वल टू Yes. Speed is equal to distance by time. तो मैं यहाँ पे आपको ले चलता हूँ व्हाइट बोर्ड पे कि ये क्वेश्चन क्या है तो यहाँ पे दो केस दिया गया ठीक तो ये मान लेते हैं कि ये मैरी का घर है ये किसका घर है मैरी का घर है और ये कहाँ पे जाती है अपने अंट के पास के पास जाती है ठीक दोनों के घर के बीच के डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या दी गई है ट्वेल्व किलोमीटर ट्वेल्व किलोमीटर डिस्टेंस दी गई है तो डे वन को क्या करती है डे वन को स्पीड क्या रहता है स्पीड एट डे वन एस वन का मतलब यहाँ पे मैं लिखा हूं speed at day one. तो डे वन तो का क्या स्पीड है डे वन का स्पीड था सिक्स किलोमीटर पर आवर तो एस वन के जगह पे मैं सिक्स दिया ओके ये एस वन है एस वन के जगह पे सिक्स दिया तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिस्टेंस क्या दी गई है बारह डिवाइडेड बाय टाइम ये क्या है टी वन मींस डे वन को जो टाइम लगा उसे में टी वन कहा ठीक तो सिक्स टी वन इज इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया मैं यहाँ पे सिक्स टी वन इज इक्वल टू टूवेल्व ओके सिक्स टी वन इज इक्वल टू ओके और यहां से टी वन की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 डिवाइडेड बाई सिक्स ज इक्वल टू टू आवर ट्वेल्व डिवाइडेड बाई सिक्स इज इक्वल टू टू आवर तो यहां पे आपको क्या आ गई डे वन को कितना समय लगा डे वन को टू आवर का टाइम लगा ठीक फॉर्मूला हमारा क्या था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम यहां पे आप देखो uh, हाँ अब हम चलते हैं कि डे टू को कितना समय लगा ठीक डे टू को कितना समय लगा तो अब इनका स्पीड क्या है स्पीड क्या है स्पीड इज इक्वल टू ये केस टू का मैं बात कर रहा हूँ स्पीड क्या हो गई मैं देख लेता हूं बुक में फोर किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई पहले स्पीड क्या था सिक्स अब क्या हो गई फोर तो स्पीड क्या हो गई डिक्रीज हो गई ठीक यस डिक्रीज और डिस्टेंस क्या है घर की तो दूरी तो हमेशा सेम रहेगी वो तो चेंज होगा नहीं

ठीक अपना स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दे दो थोड़े से दौड़ भी लेते हो तो आपका टाइम क्या हो जाता है रेड्यूस हो जाता है ठीक तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं अगर आप अपना स्पीड इंक्रीज करोगे तो टाइम क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ से हम क्या समझते हैं स्पीड डिक्रीज तो टाइम इंक्रीज स्पीड इंक्रीज तो टाइम डिक्रीज मीन्स ये क्या है इनवर्स रिलेशन इनवर्स का मतलब उल्टा अपोजिट ये क्या है इनवर्स रिलेशन ठीक एक अगर इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा क्या करेगा डिक्रीज करेगा ठीक ना दिस इज कॉल्ड द इनवर्स रिलेशन वन क्वांटिटी एंड द अदर क्वांटिटी डिक्रीजेस ओके सो यहाँ पे डे टू को कितना टाइम लगेगा डे टू को यहाँ पे मैं इरेज uh, करता हूं थोड़ा सा यस सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम टाइम को टी टू लिखता हूँ स्पीड यहाँ पे क्या है फोर है डिस्टेंस क्या है ट्वेल्व जो कि फिक्स है टाइम क्या है टी टू तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टी टू की वैल्यू क्या आ जाएगी थ्री आवर टी टू की वैल्यू क्या आ जाएगी थ्री आवर ओके तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्पीड डिक्रीज कर रही है तो टाइम क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है पहले क्या थी टाइम टू आवर थी जब स्पीड हमारा क्या था छ किलोमीटर पर आवर था ठीक तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम व्हेन स्पीड डिक्रीजेस देन टाइम विल इंक्रीज एंड इफ स्पीड विल इंक्रीज देन टाइम विल डिक्रीज सो दिस एन एग्जांपल ऑफ इनवर्स रिलेशन तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए क्या ये क्वेश्चन में किसी को कुछ डॉट भी है क्या uh, किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में ओके okay. सो so, uh, हम आगे की ओर प्रोसीड करते हैं पार्टनरशिप का एक मैं क्वेश्चन कर करता हूं यस वॉइस इज ब्रेकिंग सब बाकी लोग भी चैट बॉक्स में बताए कि मेरी आ, मैं खुद ही चेक कर लेता हूं कि वेदर माई वॉइस इज ब्रेकिंग और नॉट ओके लो सो अभी हम आई थिंक माई वॉइस इज क्लियर यस मेरी आवाज बिल्कुल सही आ रही है प्रैक्टिस से थर्टी नाइन का क्वेश्चन नंबर वन करके देखते हैं ओके दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पार्टनरशिप सो द क्वेश्चन इज यस माई नेटवर्क इज गुड तो आपको वॉइस सही से सुनाई दे रही होगी क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिक्टेट कर रहा हूं सुरेश एंड रमेश टुगेदर इन्वेस्टेड फॉट उजेंड रुपीज इन द रेशियो फोर इंस टू फाइव सुरेश और रमेश क्या इन, इन दो ने क्या, क्या? एक किया means, एक बिजनेस स्टार्ट किया मीन एक प्लॉट ऑफ लैंड किया कितने पैसे का वन लैख फोर्टी फोर थाउजेंड का दोनों की रेशियो क्या थी फोर इंस टू फाइव सुरेश ने फोर फोर पार्ट दिया और रमेश ने फाइव पार्ट रमेश का और फोर पार्ट सुरेश का टोटल पैसे कितने थे वन लैख फोर्टी फोर थाउजेंड After some year, they sold it at a profit of twenty percent. कुछ सालों के बाद कुछ years के बाद ट्वेंटी परसेंट की प्रॉफिट पे इन्होंने लैंड को बेच दिया वॉट इज द प्रॉफिट इच ऑफ देम गॉड तो यहाँ पे मीन्स यहाँ पे वन लैख फोर्टी फोर थाउजेंड की लैंड है कुछ ईयर्स के बाद इन्होंने लैंड को क्या किया बेच दिया सोल्ड कर दिया तो क्या होगी कुछ फायदा होगी कुछ प्रॉफिट होगी तो प्रॉफिट में कितने पैसे सुरेश को जाएंगे और कितने पैसे रमेश को जाएंगे तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं ठीक इस क्वेश्चन के बाद हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसके बाद आई थिंक सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक हमें पढ़ने हैं सो so, सुरेश एंड रमेश ठीक सुरेश का कित... Uh, सुरेश सुरेश को मैं एस से लिखता हूँ आप समझ लेना सुरेश एंड रमेश रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इज फोर इज टू फाइव क्या था फोर इज टू फाइव क्वेश्चन में चैट बॉक्स में डालता हूँ yes. सुरेश एंड रमेश uh, दोनों की इन्वेस्ट uh, दोनों की इन्वेस्टमेंट की रेशियो क्या थी फोर इज टू फाइव मैं चैट बॉक्स में क्वेश्चन भी डाल दिया हूं टोटल कितने पैसे इन्होंने इन्वेस्ट किए टोटल तो वन लैख फोर्टी फोर थाउजेंड किस चीज़ के लिए इन्होंने लैंड परचेज किया ठीक कहीं पे जमीन खरीदा इन्होंने और कुछ इयर्स के बाद ये क्या किए ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट पे ये बेच दिए ट्वेंटी परसेंट क्या हो गया प्रॉफिट हो गया तो मुझे ये आप बॉक्स में बताओ कि वन फोर्टी फोर थाउजेंड में अगर ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट होगा जैसे अगर हंड्रेड रुपीज है अगर इसमें अगर ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट होगी तो ये क्या हो जाएगी हंड्रेड एंड ट्वेंटी ठीक अगर फिफ्टी रुपीज है अगर इसमें ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट होगी तो ये क्या हो जाएगी सिक्सटी रुपीज तो इसी तरीके से आपको बताना है आप परसेंटेज इससे पहले भी पढ़े हो क्लास सिक्स में इफ अमाउंट इज वन लैक फोर्टी फोर थाउजेंड एंड देर इज ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट देन वाट इज द अमाउंट कितना पैसा होगा जमीन बेचने के बाद ये मुझे आप बताइए फिर मैं आगे आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि सुरेश एंड रमेश का सुरेश एंड रमेश का क्या प्रॉफिट शेयर का रेशियो आएगा और वो कैसे होगा दो मिनट का टाइम दे रहा हूँ सभी लोग ट्राई करिए और चैट बॉक्स में आंसर आने चाहिए ओके आई विल चेक सभी लोग ट्राई करिए अगर आंसर गलत भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं है ठीक ओके okay, अभी तक आ, दो चैट बॉक्स में आंसर आए अब मैं आ, बता रहा हूँ ये परसेंटेज का क्वेश्चन ये परसेंटेज का ही आपको बनानी चाहिए था होप आप लोग बना भी रहे होंगे ओके सो तो यहाँ पे हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे ठीक तो वन लैख फोर्टी फोर थाउजेंड तो हमारे पास था ही ठीक इसमें हम क्या ऐड करेंगे इसमें मुझे फायदा कितना हुआ ट्वेंटी परसेंट ओके हमें क्या हुआ प्रॉफिट हुआ क्या ट्वेंटी परसेंट किसका ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट ऑफ लैखी फोर था इतना पैसा मैंने बिजनेस में लगाया वन लैख फोर्टी फोर थाउजेंड ये सुरेश और रमेश दोनों मिलकर बिजनेस में लगाया और इस कुछ मीन्स बिजनेस का मतलब क्वेश्चन में जैसे दिया इन्होंने लैंड परचेस किया ओके फिर ये कुछ इयर्स के बाद इन्होंने लैंड को सेल कर दिया तो इन्हें ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट हुई ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट किसका जितना पैसा इन्होंने लगाया था ठीक तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं वन लैखी फोर थाउजेंड विल रिमेन एज इट इज प्लस परसेंट है तो ट्वेंटी परसेंट को हटा करके हम क्या लिखते हैं वन हंड्रेड डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं वन हंड्रेड ऑफ ऑफ के जगह पे क्या लिखते हैं हम मल्टीप्लीकेशन का साइन और वन लैख फोर्टी फोर थाउजेंड वन लैख फोर्टी फोर थाउजेंड ऐसा हो जाएगा ठीक तो टू जीरो और टू जीरो कैंसिल टू जीरो और टू जीरो कैंसिल ये वाले क्वांटिटी को अभी आप भूल जाइए ठीक ये वाले क्वांटिटी को अभी आप भूल जाइए हम क्या निकाल रहे हैं सिर्फ प्रॉफिट की प्रॉफिट कितना हुआ हम क्या निकाल रहे हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ ये वाला क्या था इनिशियल मनी दोनों मिलके स्टार्टिंग में ये लगाए थे तो 20 इज मल्टीप्लाइड बाय 144 और एक जीरो है तो 144 टोजा 288 पे 288 पे वन जीरो टू जीरो तो हमारा आंसर हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा हमारा आंसर होगा हो 288 पे दो जीरो 28,800 ये हमारा क्या हुआ दिस इज प्रॉफिट मीन सुरेश और रमेश जो पैसा इन्वेस्ट किया था सुरेश और रमेश जो पैसे इन्होंने इन्वेस्ट किए थे इसका प्रॉफिट क्या हुआ 28,800 इसे आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आप घर पे अपने पेरेंट्स से कभी पूछिएगा तो पंद्रह साल पहले जो गोल्ड है सोना जिसे कहते हैं गोल्ड ज्वेलरी जिससे बनती है उसकी प्राइस क्या थी काफी कम थी अभी कंपेयर में ठीक तो जो लोग उस समय में गोल्ड परचेज करके रखे होंगे और अभी उसे बेचेंगे सेल करेंगे तो उन्हें क्या होगी प्रॉफिट होगी ठीक फॉर एग्जाम्पल अगर वो ट्वेंटी थाउजेंड में उन्होंने गोल्ड परचेज किया और अभी क्या है फिफ्टी थाउजेंड तो थर्टी थाउजेंड की क्या हुई प्रॉफिट हुई ठीक तो इसी तरीके से ये सुरेश और रमेश एक प्लॉट ऑफ लैंड परचेस किया वन लाख फोर्टी फोर थाउजेंड में ठीक सुरेश और रमेश की क्या रेशियो थी फोर इज फाइव और प्रॉफिट क्या हुई टू लैख ट्वेंटी एट थाउजेंड एट हंड्रेड तो अब हमें सुरेश एंड रमेश इस दोनों को पैसा बांटना है ठीक सुरेश और रमेश को क्या बांटना है पैसा तो लेट द टोटल प्रॉफिट भी एक्स टोटल प्रॉफिट को हम क्या मान लेते हैं एक्स ठीक तो सुरेश और रमेश की क्या रेशियो थी फोर इज टू फाइव तो सुरेश के पास मान लेते हैं कि फोर एक्स पैसा गया और और रमेश के पास क्या गया? 5x. ठीक 4x और 5x. तो टोटल फोर एक्स प्लस फाइव एक्स क्या हो जाएगा नाइन एक्स नाइन एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी एट थाउजेंड एट हंड्रेड ठीक X इज इक्वल टू क्या हो जाएगी ट्वेंटी एट थाउजेंड एट हंड्रेड डिवाइडेड नाइन इसे जब आप कैंसल आउट करोगे नाइन वन जावेंटी सेवन वन बचा नाइन टू जटीन टू जीरो मैं यहाँ पे अब बनाता हूँ तो यहाँ पे सुरेश का कितना पैसा हो जाएगा फोर इंटू एक्स एक्स की वैल्यू क्या आई थर्टी टू हंड्रेड तो फोर इंटू थर्टी टू हंड्रेड रमेश की कितनी आई फाइव इंटू थर्टी टू हंड्रेड इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो सुरेश का पैसा आ जाएगा ट्वेल्व थाउजेंड एट हंड्रेड जैसा कि चैट बॉक्स में दो आंसर आए हैं और रमेश का पैसा हो जाएगा रमेश का प्रॉफिट प्रॉफिट ये क्या प्रॉफिट मनी है ठीक रमेश का हो जाएगा थ्री फाइव जै फिफ्टीन टू फाइव जै टेन सिक्सटीन थाउजेंड ठीक सिक्सटीन थाउजेंड रमेश के पास गया और ट्वेल्व थाउजेंड एट हंड्रेड किसके पास पास आया सुरेश के पास। तो यहाँ पे एक चीज और देखने वाली बात है सुरेश सुरेश को कम पैसा इसीलिए गया क्योंकि इनका जो ये ओनली ये फोर पार्ट इनका था जबकि रमेश का क्या था फाइव पार्ट टू टू के तो जिनका ज, जितना ज्यादा शेयर है उतना ज्यादा उनका प्रॉफिट भी होगा तो इसी के साथ यहाँ पे हमारा ये टॉपिक डायरेक्ट एंड इन डायरेक्ट डायरेक्ट एंड इन वर्स प्रपोर्सन यहीं पे खत्म होता है अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आ, ये प्रैक्टिस से थर्टी नाइन प्रैक्टिस से थर्टी नाइन का क्वेश्चन नंबर वन मैंने बता दिया है ठीक क्वेश्चन नंबर वन मैं अभी जस्ट डिस्कस किया हूं प्रैक्टिस से थर्टी नाइन बनाने से पहले आप क्या करोगे इसके पहले एग्जाम्पल जो है यहाँ पे एग्जाम्पल क्वेश्चन है ये करोगे जैसे मैं आपको बताता हूँ तो मैं उतना आ, ये लिखता नहीं हूँ जैसे यहाँ पे क्या टोटल कैपिटल इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन फिर टोटल प्रॉफिट ठीक तो ये लैंग्वेज भी आपको एग्जामिनेशन में लिखने रहते हैं सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में ठीक तो ये आपको एग्जाम्पल जब आप सॉल्व करोगे पढ़ोगे दो तीन बार तो आपको आइडिया आएगा सो दिस इज प्रैक्टिस एट थर्टी नाइन ये पार्टनरशिप पे बेस्ड है यहाँ पे पांच क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर टू थ्री फोर फाइव ये चार क्वेश्चन आप घर से बना करके आइएगा इस क्वेश्चन में अगर आपको uh, कहीं पे प्रॉब्लम होगी तो आई विल डिस्कस ओनली वन क्वेश्चन थ्री टू थ्री फोर फाइव इसमें से एक क्वेश्चन मैं अगले क्लास में डिस्कस करूंगा ंग टू स्टार्ट बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट ठीक तो अभी हम आ, हाँ बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट तो यहाँ पे आ, सबसे पहले हम अकाउंट्स के बारे में पढ़ते हैं आपके भी बैंक में अकाउंट होंगे या नहीं भी होंगे तो बेसिकली कि, कितने प्रकार की बैंक अकाउंट होती है तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया गया है करंट अकाउंट तो करंट अकाउंट उसे कहते हैं जैसे मिनट बेसिकली जो जो बिजनेस करते हैं और उनकी आ, जो है डेली बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होती है तो उनके लिए क्या होती है करंट अकाउंट होती है सेविंग अकाउंट जैसे हम लोग स्टूडेंट हैं या जो हाँ सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट जैसे हम लोगों के पास यूजुअली सेविंग अकाउंट होते हैं जो जैसे जो नौकरी करते हैं सैलरी मिलती है ओके या स्टूडेंट वगैरह तो इनके पास क्या होती है सेविंग अकाउंट एक मिनट थर्ड तरह की अकाउंट क्या होती है रिकरिंग डिपोजिट अकाउंट मीन्स इस तरीके के अकाउंट में कि आपको प्रत्येक मंथ कुछ पैसे जमा करने होंगे ओके

आप प्रत्येक मंथ वन वन थाउजेंड रुपीज यहां पे जमा करिए तो एक्चुअली में आपका कितना पैसा हुआ बट बैंक आपको आपको कितने दे दी तो आपको कितना प्रॉफिट हो फोर्टीन थाउजेंड की ठीक तो ये क्या होती है रिकरिंग डिपोजिट अकाउंट इसके अलावा एक फिक्सड डिपोजिट होते हैं ठीक फिक्स डिपोजिट में क्या होता है कि आ, आप कुछ पैसा जैसे फाइव लाख ,00 रुपीज आप बैंक में जमा कर दिए फाइव लाख रुपीज आप बैंक में जमा कर दिए टेन इयर्स के लिए ठीक और बैंक की ऐसी पॉलिसी है कि फाइव लाख ,00 को टेन इयर्स में मैं सेवन लाख ,00 कर दूंगा ठीक तो इस तरीके के हम अकाउंट को फिक्स डिपोजिट कहते हैं इसके अलावा एटीएम कार्ड क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड आप लोग इससे परिचित होंगे एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन हाँ ए से आ, एक हाँ ए टी एम से आप क्या करते हो पैसे निकालते हो ए टी एम से क्या आप करते हो पैसे निकालते हो ऑटोमेट उतोमेर, ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑटोमेटेड टेलर मशीन ए टी एम का फुल फॉर्म होता है ए टी एम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन ए से क्या हम निकालते हैं पैसे निकालते हैं तो अभी हम पढ़ते हैं एक इंटरेस्टिंग चीज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट तो ये है क्या जैसे आपके पास अभी हंड्रेड रुपीज हैं और आपने अपने किसी फ्रेंड को दिए और आपके फ्रेंड ने वन ईयर के बाद आपको वन हंड्रेड रुपीज वापस किया ओके तो ये मीन्स ऐसे चलता है बट बैंक्स में क्या होती है एक्चुअल में क्या होता है कि जो आज हंड्रेड रुपीज है वो पैसा कल हंड्रेड रुपीज नहीं होगा ओके मीन्स वैल्यू क्या होती है चेंज होती है उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले गोल्ड का एग्जाम्पल दिया अगर आपने ट्वेंटी ईयर्स फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि ट्वेंटी ईयर्स पहले आपने ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज का गोल्ड परचेस किया और अभी क्या हो गई वो गोल्ड फिफ्टी थाउजेंड की हो गई तो आपने 20 साल पहले तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज ही लगाए बट अभी वो कितने का हो गया फिफ्टी थाउजेंड का ठीक तो आपको प्रॉफिट कितने की हो रही फाइव थाउजेंड की इसी तरीके से जब आप बैंक में जाओगे जैसे जब लोगों के पास पैसे नहीं रहते हैं या जैसे कार खरीदने रहते हैं घर बनाने रहते हैं या एजुकेशन के लिए लोग स्टूडेंट बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए ओके okay. तो बैंक लोन तो देती है उसके बदले में क्या लेती है कुछ इंटरेस्ट लेती है ठीक उसके बदले क्या लेती है कुछ इंटरेस्ट लेती है ओके okay. तो ये हम समझते हैं कि प्रिंसिपल क्या होती है इंटरेस्ट क्या होती है अमाउंट क्या होती है तो उदाहरण के तौर पे एग्जाम्पल के लिए आपको विदेश जाने हैं पढ़ने के लिए फॉरेन ओके okay. या आपको घर बनाने हैं आपको क्या बनाने घर बनाने हैं तो आपने बैंक से लोन लिया बैंक से लोन लिया आप टेन लाख ,00 का या वन लाख ,00 ही लेते हैं समझने में क्या होगा थोड़ा सा आसान होगा आपने बैंक से एक लाख एक लाख रुपए का क्या लिया आपने लोन लिया ठीक और आफ्टर फाइव ईयर आफ्टर फाइव ईयर आपने बैंक को कितने पैसे दिया आपने बैंक को एक लाख बीस हजार रुपये वापस दिया ठीक आपने बैंक को वापस कितने पैसे दिए एक लाख बीस हजार ठीक तो आपने पैसे कितने लिए थे वन लाख बट हो कितना गया एक वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड तो कितने की इंक्रीज हुई ट्वेंटी थाउजेंड की क्या हुई यहाँ पे इंक्रीज हुई ठीक तो ये ट्वेंटी थाउजेंड क्या लग रहा है आपका इसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट इसे हम क्या बोलते हैं इंटरेस्ट ठीक तो समझते हैं जो पैसा आप किसी से उधार लेते हो जो पैसा आप किसी से उधार लेते हो या किसी को उधार देते हो वो क्या हो गई उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल मनी उसे हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल यस वेरी गुड ट्वेंटी थाउजेंड तो जैसे आप किसी को टेन थाउजेंड रुपीज बैंक किसी को देती है तो उसके लिए कुछ इंटरेस्ट लेती है ठीक मीन्स टेन थाउजेंट अगर बैंक किसी को दी जैसे आपके सेविंग अकाउंट में आपके पास क्या होगा सेविंग अकाउंट ठीक आपके आ, हाँ जैसे स्टूडेंट लोग के पास बेसिकली क्या होती है सेविंग अकाउंट तो सेविंग अकाउंट का जब आप बैंक का स्टेटमेंट देखोगे Uh, एक हाँ यस तो ये क्या होती है सेविंग अकाउंट तो आपके सेविंग अकाउंट में मान लेते हैं कि वन uh, थाउजेंड रुपीज है वन थाउजेंड रुपीज है आपने एक साल पहले वन थाउजेंड रुपीज डाल के छोड़ दिया तो वहां पे आपको टू परसेंट टू परसेंट की क्या मिलती है इंटरेस्ट मिलती है मीन्स बैंक में आपने पैसा जमा किया है बैंक में आपने पैसा जमा किया है तो बैंक आपको टू परसेंट क्या देती है इंटरेस्ट देती है क्योंकि आपने बैंक को अपना पैसा दिया है ठीक जैसे बैंक अपना पैसा ग्राहक को देती है स्टूडेंट को देती है घर बनाने के लिए लोन के तौर पे देती है तो वो क्या लेती है इंटरेस्ट लेती है ठीक तो उनका इंटरेस्ट जो लेते हैं वो हाई रहता है बट जो इंटरेस्ट देते हैं वो कम रहता है तो टू परसेंट एस का फॉर एग्जाम्पल लेते हैं तो टू परसेंट के आसपास रहता है तो वन थाउजेंड का टू परसेंट कितना हुआ फटाफट चैट बॉक्स में बताइए टू परसेंट ऑफ वन थाउजेंड व्हाट इज द टू परसेंट ऑफ वन थाउजेंट 1200 हंड्रेड वन आंसर इन द चैट बॉक्स टू परसेंट ऑफ वन थाउजेंड एक मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं आपको नाइन्टी सेकेंड्स का चलो मैं देता हूं चैट बॉक्स में आप मुझे बताएं कि व्हाट इज द टू परसेंट ऑफ वन थाउजेंट एक हजार का दो परसेंट कितना होगा क्योंकि अगर आप परसेंटेज में आपको कठिनाई हो रही है तो ये जो टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का तो ये परसेंटेज से ही परसेंटेज से ही इसके सारे क्वेश्चंस बनते हैं ट्वेल्व हंड्रेड ट्वेल्व हंड्रेड चलो मैं बोल दिया ट्वेल्व हंड्रेड इज रॉन्ग आंसर आपने ट्राई किया बट 1200 इज नॉट द करेक्ट आंसर चलिए एक और आंसर आया टू हंड्रेड ओके बाकी लोग भी आंसर करिए व्हाट इज द टू परसेंट ऑफ वन थाउजेंड वन थाउजेंड का टू परसेंट कितना होगा टू हंड्रेड ओके आई एम से टोटल ओके हाँ आप टोटल भी बोलो तो आ, मैं समझ जाऊंगा मीन्स आपने वन थाउजेंड प्लस टू हंड्रेड एड करके ट्वेल्व हंड्रेड बोला तो चलो मैं बोल देता हूं कि बोथ आंसर इज इन करेक्ट चलिए ट्वेंटी ओके okay. थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है बाकी लोग भी आंसर करिए ट्वेल्व हंड्रेड एंड टू हंड्रेड इज नॉट करेक्ट आंसर ओके okay, तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं ठीक ध्यान से देखिएगा ये आपको सभी लोगों को ये आंसर करने चाहिए था ओके सो टू परसेंट ऑफ वन थाउजेंड ये ध्यान से देखिएगा मैं फिर से नहीं बताऊंगा यही चीज बार बार इससे पहले भी मैं टू वन आंसर इज टू ओके देखते हैं टू करेक्ट है ट्वेंटी या टू हंड्रेड यहाँ पे ध्यान से देखो कि कैसे हम परसेंटेज निकालते हैं तो ये टू लिखा है तो टू को एज इट इज लिखिएगा ओके परसेंटेज को हम क्या करते हैं परसेंटेज के जगह पे परसेंटेज को हटा करके डिनोमिनेटर में वन हंड्रेड लिखते हैं ठीक परसेंटेज को हम हटा करके डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं वन हंड्रेड तो ये टू परसेंट का काम तमाम हो गया अब हमारे पास क्या है ओ एफ ऑफ ऑफ का मतलब क्या होता है ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ का मतलब मीन ऑफ मीन मल्टीप्लीकेशन टू बाई वन हंड्रेड इज मल्टीप्लाइड बाय। और इसके बाद क्या है विल रिमेन एज इट इज वन थाउजेंड रिमेन एज इट इज ओके सो ये टू जीरो एंड टू जीरो विल कैंसिल तो आंसर अब क्या होगा चलिए बताइए आंसर क्या होगा 20 एंड 20 विल कैंसल तो आंसर क्या हो जाएगा 2 tan 20 तो एक आंसर आया था चैट बॉक्स में 20 फिर बहुत देर के बाद एक और आंसर आया था 20 सो so, 20 इज करेक्ट आंसर ठीक तो यहां से हां यस यस 20 तो ये आप समझ गए तो आपके अकाउंट में कितने रुपए थे आपके अकाउंट में वन थाउजेंड रुपीज थे और बैंक आपको टू परसेंट की इंटरेस्ट दी तो ये आपके अकाउंट में वन थाउजेंड रुपीज कब थी टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी में तो टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी क्या हो जाएगा ये पैसा हो जाएगा आपका वन थाउजेंड एंड ट्वेंटी रुपीज ठीक तो ये इंक्रीज कर गया मीन्स आपको बैंक ने क्या दी इंटरेस्ट दी टू परसेंट इंटरेस्ट दी टू परसेंट को आपके जितने पैसे हैं उसका टू परसेंट तो वन थाउजेंड का टू परसेंट क्या हो जाएगा ट्वेंटी रुपीज तो इसमें ऐड कर देंगे तो ये टोटल अमाउंट हो जाएगा तो मैंने आपको परसेंटेज निकालने का भी जस्ट बताया तो आप मुझे एक बताओ कि ये आंसर करो तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने परसेंटेज ये सीख लिया क्योंकि ट्वेंटी परसेंट ऑफ सिक्सटीन हंड्रेड ट इज द ट्वेंटी परसेंट ऑफ सिक्सटीन हंड्रेड कैल्कुलेट करके आप चैटबॉक्स में आप आंसर करिए आंसर करिए ये बता दूंगा फिर क्लास हम ओके आ, हाँ ट्वेंटी परसेंट ऑफ सिक्सटीन हंड्रेड यू हैव टू फाइंड नहीं आप मुझे ट्वेंटी परसेंट बताओ कि ट्वेंटी परसेंट कितना होगा एड करके नहीं बताने हैं वन आंसर इज टू हंड्रेड सेकेंड आंसर इज थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी फोर फाइव सिक्स सेवन थ्री ट्वेंटी ओके यहाँ पे ट्वेंटी परसेंट ऑफ सिक्सटीन हंड्रेड ट्वेंटी परसेंट ऑफ सिक्सटीन हंड्रेड वन सिक्स जीरो जीरो हाँ तो चार पांच आंसर थ्री ट्वेंटी आया तो देखते हैं क्या होता है ठीक ट्वेंटी को एज इट इज लिखेंगे परसेंटेज के जगह पे हम क्या लिखते हैं वन हंड्रेड आपको क्या लिखते हैं मल्टीप्लीकेशन फिर सिक्सटीन हंड्रेड टू जीरो पे है तो थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी तो वन टू थ्री फोर फोर द चैट बॉक्स ओके एक का गलती हो गया तो आपने वेल well ट्राई किया था बट ये आप सीख जाओ क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में अभी हम ये परसेंटेज का ही देखेंगे तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अभी आप एक्सरसाइज बना पाओगे या नहीं बना पाओगे नहीं हाँ तो ये अभी मैंने प्रैक्टिस फोर्टी आपको नहीं बनाने हैं क्योंकि अगले क्लास में जब हम आएंगे तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा ओके और

bye sir good night bye. bye bye good night bye sir bye good night